हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 3 मार्च 2020। आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर विद स्टैटिक जी के हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक पर डे की तरह रहेंगे। मोटिवेशन कोट रहेगा जो आपको मोटिवेटेड करेगा। वन लाइनर न्यूज़ रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी। स्पेशल नॉलेज में पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे। स्टेट में आज त्रिपुरा स्टेट को डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जी के कुछ क्वेश्चन होंगे। ओके, आपको वीडियो पूरा वॉच करना है। अब देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। अपनी मेहनत और विश्वास से अपनी किस्मत खुद लिखें। कभी कभी सभी लोग सोचते हैं, कभी कभी क्या, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारी किस्मत में होगा तो ज़रूर मिलेगा, हमारी किस्मत में नहीं था। पर क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है, तो आप अपनी किस्मत स्वयं लिख सकते हैं। ओके, वन लाइनर न्यूज़ देख लेते हैं क्या क्या है। महत्वपूर्ण दिन से पहली न्यूज़ रहेगी, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो है 1 मार्च को मनाया गया है। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है, तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बल कौन सा है जिसने सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में रक्षा एवं सामरिक अध्ययन विभाग में एक चेयर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके एक शैक्षिक सहयोग में प्रवेश किया है, तो वह है भारतीय वायुसेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्च 2020 को कहाँ सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया है, तो प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज मतलब कि इलाहाबाद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस स्थान पर अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स शुरू किया है, तो ये आसनसोल में शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्च 2020 को कहाँ पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया गया है, तो ये दिल्ली के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 के विजेता कौन बने हैं, तो ये असम के मुख्यमंत्री सर्वानंदा सोनोवाल जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार कौन सी है जिसने भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से सस्ते दामों में कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 6 केंद्रों के निर्माण के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो वह है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा के बारे में पूरी जानकारी देखने के लिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना होगा। तो त्रिपुरा के मनु क्षेत्र धलाई जिला में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस शहर में पेंशन अदालत दिल्ली के बाहर आयोजित किया जा रहा है, तो ये आयोजित किया जा रहा है जम्मू में। तो जम्मू की कैपिटल तो आप सभी को पता है कश्मीर, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर कैपिटल हो जाती है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन अगर पूछी जाएगी तो श्रीनगर होती है, और अगर शीतकालीन पूछी जाएगी तो जम्मू होती है। ओके, और अगर पूछ लिया जाए कि इसकी सीमाएं किन किन से मिलती हैं, तो उत्तर में क्या है कि चीन से मिल जाती है, उत्तर में चीन से मिलती है, पूर्व में तिब्बत से मिलती है, और दक्षिण में हिमाचल प्रदेश से और पंजाब से, तथा पश्चिम में क्या है कि पाकिस्तान से मिलती है। ये तो सभी को पता है, पाकिस्तान से तो हमारा मतलब, पाकिस्तान तो विवादित ही रहता है हमेशा पाक अधिकृत कश्मीर की वजह से। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ की जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो हैं डोंगरी, बाल्टी, दादरी, पहाड़ी, पंजाबी, कश्मीरी, ये यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। और राजकीय भाषा अगर जम्मू कश्मीर की पूछ ली जाए, ये जम्मू कश्मीर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी अभी ये केंद्र शासित प्रदेश बना है 31 अक्टूबर, तो उर्दू यहाँ की जो है राजकीय भाषा है। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना और उपराज्यपाल के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू जी को यहाँ नियुक्त किया गया है। ठीक है, और अगर उच्च न्यायालय पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ही है। ठीक है, जिले वहाँ पर 22 हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए कि जो प्रमुख पर्वत है वहाँ का, तो वो कौन सा है, गॉडविन ऑस्टिन या K2 या काराकोरम जो होता है, कंचनजंगा या इसे नंगा पर्वत भी कहते हैं, तो वो वहाँ का प्रमुख पर्वत है। और प्रमुख दर्रे हैं काराकोरम, जोजीला और बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग भी है, तो वो भी आपको याद रखना है। और इसे भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। झीलों का नगर श्रीनगर कहलाता है। तो और जो इसको लद्दाख को अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो लद्दाख में दो जिले हैं, एक तो लेह है और कारगिल है, और लद्दाख में आरके माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई इससे संबंधित सामान्य ज्ञान को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1931 में हुई थी, मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ओके, शून्य भेदभाव दिवस के लिए प्रतीक क्या रहा है इस बार, तो तितली रही है प्रतीक। संयुक्त राष्ट्र एड्स HIV कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी 26 जुलाई 1994 को। मुख्यालय इसका आपको जेनेवा में मिल जाएगा।
नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 16 जुलाई 1929 को, नई दिल्ली मुख्यालय इसका मिल जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ओके, तो अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। तो डिटेल करंट न्यूज़ में पहली न्यूज़ है, जादव पायोंग को 2020 के स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 29 फरवरी को जादव पायोंग को नई दिल्ली में स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि माई होम इंडिया द्वारा स्थापित किया गया था। बड़े पैमाने पर वनीकरण के माध्यम से एक वास्तविक मानव निर्मित जंगल बनाने में उनके निरंतर प्रयासों के लिए उन्हें 6वें कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जादव पायेंग को भारत के वन मैन के रूप में प्रसिद्ध है, वे जोरहाट से पर्यावरण कार्यकर्ता और वन कार्यकर्ता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रक्षा दिवस। विश्व रक्षा दिवस 1 मार्च 2020 को मनाया गया। इस दिन को प्राकृतिक और तकनीकी आपदाओं और बचाव कार्यों से सार्वजनिक सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 1990 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन महासभा द्वारा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब विश्व रक्षा दिवस कब मनाया गया, 1 मार्च को क्यों मनाया जाता है, तो ये जो सार्वजनिक सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया, तो ये भी 1 मार्च को मनाया गया था। यह दिन कानून के समक्ष समानता और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में व्यवहार को बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1 मार्च 2014 को UN AIDS के बाद शून्य भेदभाव दिवस मनाया। शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक तितली है। तो क्वेश्चन बनेगा शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, 1 मार्च को मनाया जाता है। इस बार 2020 के शून्य भेदभाव दिवस की प्रतीक क्या है, तो ये है बटरफ्लाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मई तक सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त राज्य बनेगा महाराष्ट्र। ये हमने कल ऑनलाइन में फॉर्म भी की हुई थी न्यूज। महाराष्ट्र राज्य सरकार 1 मई 2020 तक एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त बनने के लिए तैयार है। यह घोषणा राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा की गई थी। प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध राज्य में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वच्छ पेयजल अभी भी राज्य में सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्पेशल नॉलेज, इसमें बात करेंगे पार्लियामेंट की, मतलब कि संसद की। अब संसद है क्या, संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, और यहाँ पर जो भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है संसद की, भारतीय संसद में राष्ट्रपति यथा दो राष्ट्रपति तथा दो सदन, मतलब लोकसभा लोगों का सदन, राज्यसभा राज्यों की परिषद होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने तथा लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है, जो कि नई दिल्ली में अवस्थित है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, परंतु ये केवल व्यवहार में कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में इसका कहीं भी कोई लोकसभा के लिए निम्न सदन और राज्यसभा के लिए उच्च सदन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। सदन प्रकार द्विसदनीय व्यवस्था है। सदन राज्यसभा लोकसभा होते हैं और राष्ट्रपति मिलकर एक संसद का निर्माण करते हैं। इससे पहले क्या होती, भारतीय संविधान सभा हुआ करती थी। राज्यसभा के अध्यक्ष वर्तमान में एम वेंकैया नायडू जी हैं 11 अगस्त 2017 से, और राज्यसभा में विपक्ष के नेता जो हैं वो हैं गुलाम नबी आज़ाद। बहुमत पार्टी नेता लोकसभा की सभा होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, तो वो भाजपा पार्टी से आते हैं 2019 से। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, इनका निर्वाचन क्षेत्र है कोटा राजस्थान। ठीक है, संरचना अगर पूछ ली जाए तो सीटें अभी हैं 790, 245 राज्यसभा की सीटें हैं और 545 जो हैं लोकसभा की सीटें हैं। तो ये संसद से जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं सारे पॉइंट कभी ना कभी आ ही जाते हैं, तो ये अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। अब स्टेट की बात करेंगे त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा की कैपिटल होती है अगरतला, और यहाँ की अगर सबसे बड़ा शहर पूछ लिया जाए तो वो भी अगरतला होता है। घनत्व अगर पूछ लिया जाएगा तो 350 किलोमीटर स्क्वायर में घनत्व है इनका। जिले 8 है, राजभाषा बंगाली, ककवरक और अंग्रेजी है। गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। और अगर राज्यपाल पूछ ले जाएँ तो रमेश बैस हैं, और मुख्यमंत्री हैं बिप्लव कुमार देव, जो कि भाजपा पार्टी के हैं। ओके, और अगर पूछ ली जाए विधानसभा की सीटें यहाँ पर कितनी है, तो वो है 60, और राज्यसभा की सीट अगर पूछ ली जाए तो वो है 1, और लोकसभा की सीट अगर पूछ ली जाए तो वो है 2। तो यहाँ पर 8 तो जिले हैं और 1 राज्यसभा की सीट है और 1 लोकसभा की सीट है। त्रिपुरा जो है उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है, स्थित एक राज्य है।
यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। इसके उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है, जबकि पूर्व में असम और मिजोरम स्थित हैं। ओके, त्रिपुरा के बारे में और भी क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे त्रिपुरा की मुख्य भाषा क्या क्या है, तो बांग्ला और मणिपुरी भी हो जाती है वहाँ की राज्यभाषा। राज्य दिवस तो 21 जनवरी को ही मनाया जाएगा। ठीक है, पर्यटन क्षेत्र अगर पूछ लिए जाएँ तो नीर महल, सिपाही जाला, माताबाड़ी, डम्बुर लेक, कमल सागर, जुम्बई, सिल, उनाकोटी जो है यहाँ के पर्यटन केंद्र है। अगर पर्वत पूछ लिए जाएँ त्रिपुरा के, तो वो होते हैं बारामूरा, एक मिनट लिख देते हैं, बारामूरा, अथरामूरा, देवतामूरा, लोंगनथराई, जम्पाई और शाखन जो पर्वत हैं वो यहाँ के मुख्य पर्वत हैं। झीलें अगर पूछ ली जाए तो रुद्र सागर और डुम्बर लेक जो है वहाँ पर मुख्य झील है। कला यहाँ की कौन कौन सी है, तो चेरोलाम नामक बांस नृत्य यहाँ पर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। त्रिपुरा का जो नृत्य है वो है चेरोलाम नामक बांस नृत्य है। ठीक है, भानु खोवाई और गोमती परियोजना जो है, जल विद्युत परियोजना है, वो आपको त्रिपुरा के अंदर मिलेगी। ठीक है, त्रिपुरा का 1947 में भारत में विलय हुआ था और 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, फिर क्या हुआ, 21 जनवरी 1972 को मणिपुर तथा मेघालय के साथ इसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया गया। त्रिपुरा बांग्लादेश तथा म्यांमार की नदी घाटियों के बीच में स्थित है। बांग्लादेश है और एक और है म्यांमार, और इसके बीच में जो नदी घाटियाँ उसमें स्थित है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है अगरतला पीठ है, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है उसमें उसकी जो खंडपीठ है वो अगरतला में है, तो वो उच्च न्यायालय त्रिपुरा के लिए हो जाता है। हथकरघा उद्योग जो है वो इस राज्य के सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। तो ये त्रिपुरा से जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने आपको बता दिया। अब बात करें स्टैटिक जीके की, तो नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो राज्य का दर्जा दिया गया था 1 दिसंबर 1963 को, राजधानी नागालैंड की है कोहिमा। सीमा सुरक्षा बल मतलब कि BSF की स्थापना कब की गई, तो 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना की गई, मुख्यालय नई दिल्ली में मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र उत्तेजक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय की स्थापना कब की गई, तो 1997 में की गई, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। आयुध निर्माणी मंडल की स्थापना कब की गई, तो 1712 में आयुध निर्माणी मंडल की स्थापना की गई और मुख्यालय कोलकाता के अंदर है। इंडियन चैम्बर्स और कॉमर्स की स्थापना कब की गई, तो 1925 को की गई, मुख्यालय कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब की गई, तो 1865 में की गई, 17 मई को। मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको क्लास की PDF मिल जाएगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। खबरी ऐप पर आपको फॉलो कर लेना है, जिससे क्या होगा कि आप ऑडियो रिवीजन वहाँ से कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ओके, कमेंट में अपनी कोई भी अगर प्रश्न है तो उसे मेंशन कर सकते हैं। आप अगर ट्विटर और शेयरचैट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। डेलीमोशन वेबसाइट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हर जगह आपको हमारा अकाउंट तैयारी बिगनर्स की के नाम से मिल जाएगा। ओके, तो आप फॉलो करना मत भूलिएगा और डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। ओके, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को निरंतर करते रहिए, अपने सपनों को जीते रहिए और मन में हमेशा जुनून रखिए। जब तक आपके सपने पूरे नहीं हो जाते, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।